हेलो फ्रेंड, नीलू बुटीक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम आपको हुक और आई बनाना बताने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए फ्रेंड्स एक सुई में डबल धागा लगाकर और उस धागे के लास्ट में एक मोटी गांठ लगा लेना है। फ्रेंड्स सबसे पहले ब्लाउज में निशान लगा लेना है। जहाँ हुक लगाना है वहाँ निशान बना लेना है। सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको एक बार और मोड़ेंगे। इसको खोल देंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स निशान पड़ गया इसको। इस पर हम ऐसे निशान बना लेंगे जहाँ आई हम लोग को बनाना है। जितना भी आप गैप देना चाहते हैं उतना आप निशान बना लेंगे। किसी किसी ब्लाउज में सिक्स हुक रहते हैं, किसी ब्लाउज में फाइव। और फिर यहाँ पर हम सुई यहाँ से नीचे करेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसे हम 5-6 राउंड तक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 से 6 बार इसे ऊपर से नीचे घुमाते हुए रिपीट करते रहना है। फ्रेंड्स आप जितना मोटा रखना चाहते हैं उतनी बार आप इसे लपेट सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इतना ही रखूंगी इसके लिए। इसके बाद फिर सुई को ऐसे नीचे से करते हुए ऊपर घुमाना है, ऐसे खींचना है, फिर इसमें ऐसे करके सुई बाहर निकालना है जिससे इसमें अच्छे से गांठ बन जाए। फिर इसको दोबारा करना है, ऐसे नीचे से करते हुए खींचना है सुई को, फिर ऊपर से ऐसे घुमाते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर इसे नीचे से ऐसे घुमाते हुए ले जाना है, फिर ऊपर ले जाके ऐसे ऐसे कर देना है जिससे ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर ले जाना है और ऊपर से ऐसे करते जाना है जिससे एक गांठ बनती जाए। और इस गांठ को बार बार बनाना है इस गांठ को एक बराबर तक आप करेंगे। जितना आप बराबर करेंगे उतना इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और आई और बढ़िया देखने में और बढ़िया लगेगी। इस तरह से बार बार आपको ऊपर से नीचे करते हुए देखिए फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया मेरा आई बन रहा है। देखिए कितना अच्छा इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसे बार बार आप बनाइए इसे बार बार। और फिर इसके लास्ट में आप नीचे से ऐसे करके इसे ऐसे घुमा देंगे और इसे अच्छे से गांठ नीचे बना देंगे। काट देंगे धागे को। देखिए फ्रेंड मेरा आई बन चुका है जो कितना सुंदर लुक आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स अब इस तरह से आप जहां जहां निशान है वहां वहां बना लेंगे। अब इसके लिए यहां भी बनाना है तो यहां भी सुई को ऊपर से नीचे तक नीचे करना है ऐसे, फिर ऐसे जितना मोटा करना है फ्रेंड्स आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ऐसे फिर इसे नीचे से ऊपर करते हुए गांठ बनाना है और बांधते हुए इसे गांठ बनाते रहना है ऐसे करके। फिर इसे नीचे से करके इसे बांध देना है।
फिर इसे काट देना। देखिए फ्रेंड मेरा दो आई बन गया, दो आई बन के तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी के निशान पे भी आई बना लेंगे। इसे भी ऐसे करेंगे, ऐसे नीचे से ले आएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे करके फिर इसे बांध देना है। ऐसे 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 करते रहना है, फिर इसे नीचे से करके गांठ बना देना है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मेरा लुक आया है आई का। फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे हुक लगाना। हुक भी लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। ऐसे जहां हम आई बनाए हैं वहां उस उतने पे हम निशान मार्क एक लगा लेंगे। ऐसे कपड़े मोड़ के ऐसे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। देखिए फिर हुक को निशान पे ऐसे रख लेना है, ऐसे रख के और इसमें ऐसे सुई नीचे से ऊपर तक ऐसे निकालना है, ऐसे करना है। फिर इसमें भी इस होल में भी ऐसे कर ऊपर नीचे सुई करना है। फिर आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे इधर लाना है और आगे के साइड को अगर हम इसे ना करें तो ऐसे हो जाएगा। इस तरह इसे बांधने के लिए आप इस तरह से नीचे से लेके आएंगे और इसको ऊपर से ऐसे निकालेंगे। ऐसे करना है फिर ऐसे आप दो तीन राउंड करेंगे जिससे ये गांठ बन जाए। फिर इसे बांध देना है ऊपर से नीचे ऐसे करके। आप ऐसे करेंगे तो एक गांठ बन जाएगा जिससे ये खुलेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा। फिर इसे आप इसे कैंची से काट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए बन गया, लग गया मेरा। फिर इसी प्रकार बाकी के भी हुक लगाने के लिए आप एक हुक लेके निशान पे रखेंगे ऐसे। और नीचे से लेके ऐसे धागे में गांठ करके ऐसे नीचे से ऊपर आप करते जाएंगे, बांधते जाएंगे इसको। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको? ऐसे कर देना है और इसे बांध देना है। ऐसे ही बाकी के सारे हुक हम लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा हुक लग के तैयार हो गया और आई भी बन गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और आई भी बन गया, जिससे हम इसे लगा लेंगे। ओके बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।